गाइस हम लोग का जो काली माता ड्राइंग चल रहा था उसी का आई मीन माँ काली ड्राइंग का मैं आज क्या करने वाला हूँ, सेकंड पार्ट का कलर कंप्लीट करने वाला हूँ। और गाइस मैंने इस ड्राइंग पे जो जो कलर यूज करने वाला हूँ वो कलर नेम मैं नीचे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप अगर यूट्यूब से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कलर नेम भी मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस चलो इस ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और रंग कैनवास स्टिकी स्टार्स आर्ट फॉर्म के बारे में पता है ना, वो हम लोग का अनदर चैनल है। उस चैनल पे हम लोग इससे भी रंग कैनवास से भी इजी ड्राइंग आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं। तो उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस चलो अभी इस ड्राइंग का कलर स्टार्ट करते हैं। नाउ मैं देवी काली माता का जो फोर हेड है उसमें ऑरेंज कलर फर्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। गाइस ये जो फोर हेड है ये रेड शेड्स का होगा, तो फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑरेंज कलर यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ गाइस, और ये नीचे जो कलर यूज़ की है क्रोम येलो है, आपके पास मीडियम येलो है उससे भी कर सकते हो। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, कलर को ब्लेंड कर रहा हूँ कॉटन बार से। दो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट आपके पास जो भी कलर का ब्रांड का कलर है आप उससे भी कर सकते हो। मैं जो कलर यूज़ कर रहा हूँ ये कैमिल कंपनी का कलर है, कैमिल आर्टिस्ट ऑयल पेस्टल कलर है, स्टूडेंट क्वालिटी का नहीं है, ये आर्टिस्ट ऑयल पेस्टल कलर यूज़ कर रहा हूँ। ये आपके पास है तो कर सकते हो, या स्टूडेंट क्वालिटी का कलर से भी कर सकते हो, या डॉम्स का, या डिफरेंट ब्रांड का कलर पेंसिल कलर है बेसिकली ऑयल पेस्टल कलर उससे कर सकते हो। और ये कॉटन बर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ ना गाइस, ये बेसिकली मैं मार्केट से लिया है। ये जो कॉटन बर्ड्स है ये थोड़ा सा कॉस्टली कॉटन बर्ड्स है। आप कॉटन बर्ड्स जब खरीदोगे ना थोड़ा सा कॉस्टली कॉटन बर्ड्स खरीदना, क्योंकि अगर आप सस्ते वाला कॉटन बर्ड्स खरीदोगे ना तो वो जब ब्लेंड करोगे ना तो एक स्टिक का जो उसके अंदर लकड़ी रहता है उसका स्टिक का इंप्रेशन रह जाता है। तो आप कोशिश करो जब आप कॉटन बर्ड्स चूज़ करना तो थोड़ा सा महंगा, आई मीन 70-80 या 100 rupees का कॉटन बर्ड्स खरीदना। नाउ मैं ब्लैक ल्यूमोग्राफ पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ये स्टेडलर कंपनी का है। आपके पास ये ब्लैक ल्यूमोग्राफ पेंसिल नहीं है तो आपके पास ब्लैक ग्लास मार्किंग पेंसिल है उससे भी कर सकते हो, या आपके पास कलर पेंसिल है ब्लैक उससे भी कर सकते हो। मोटा मोटी सेम ही काइंड ऑफ इफेक्ट देता है। नाउ मैं ये थर्ड आई का जो ये है कलर है वो कर रहा हूँ। अभी मैं ग्रे कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ये सब सरफेस पे मैंने, आप अगर फर्स्ट पार्ट देखे हो इस वीडियो का, मैंने आपको बता दिया कि आपके पास कलर पेंसिल होना चाहिए इसके लिए। और आपके पास कलर पेंसिल नहीं है तो आप ऑयल पेस्टल कलर से भी कर सकते हो, तब कलर का जो टिप है उसको शार्प कर लेना। नाउ मैं व्हाइट एक्रिलिक कलर यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास व्हाइट पोस्टर कलर है उससे भी आप ये कर सकते हो। नाउ मैं हेयर का कलर कर रहा हूँ। फर्स्ट मैं लाइट ग्रे कलर यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली ये स्काई ग्रे है, ये गैलरी ऑयल पेस्टल कलर है। आपके पास अगर लाइट ग्रे है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। गाइज आपको अगर इससे भी इजी ड्राइंग देखना है, ये रंग कैनवास जो चैनल है ना गाइज, ये यूट्यूब चैनल है, ये बिगिनर से थोड़ा ऊपर का चैनल है। आप अगर एकदम बिगिनर्स हो, आप अगर इससे भी इजी ड्राइंग देखना चाहते हो, तो हम लोग का और एक बिगिनर फ्रेंडली चैनल है ड्राइंग का ही, उसका नाम है रंग कैनवास लिटिल स्टार्स आर्ट रूम। उस चैनल पे हम लोग इससे भी इजी ड्राइंग, ऑयल पेस्टल कलर हो जाए, वाटर कलर हो जाए, इजी ड्राइंग एकदम बिगिनर्स लोगों के लिए, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा वो चैनल विजिट करना। तो आप उस चैनल पे जाओ, उस चैनल को विजिट करो, और अगर पसंद आएगा तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये रंग कैनवास चैनल और रंग कैनवास लिटिल स्टार चैनल, ये दो चैनल ही हम लोग दो टाइप ऑफ ऑडियंस के लिए डेडिकेट किया है। फर्स्ट जो एकदम बिगिनर्स है उन लोगों के लिए रंग कैनवास लिटिल स्टार्स आर्ट रूम, और जो बिगिनर से थोड़ा एडवांस हो चुका है या थोड़ा सा टफ ड्राइंग करना चाहते हैं उसके लिए रंग कैनवास। तो ये दो टाइप ऑफ ऑडियंस के लिए ही हम लोग दो टाइप का चैनल रखे है, तो आप लोग ताकि बहुत अच्छे तरीके से ड्राइंग को सीख पाओ। नाउ मैं देखो क्या कर किया, फर्स्ट लाइट ग्रे कलर किया है ना, उसके बाद क्या कर रहा हूँ, उसको ब्लेंड करके ब्लैक कलर यूज़ कर रहा हूँ। जो इसके बाद मैं सीजर से स्क्रैच करके हेयर का जो टेक्सचर है वो टेक्सचर निकालूंगा। आप अगर मेरे बहुत सारा वीडियोस देखे हो या पिछले किसी वीडियोस देखे हो तो आपको शायद पता भी है कि मैं कैसे ये स्क्रैच करके, मैं बहुत सारा वीडियो में ये स्क्रैचिंग टेक्निक यूज़ किया, तो आपको शायद पता भी होगा कैसे मैंने किया है। इवन इस वीडियो को देख के भी आपको पता चल जाएगा। नाउ मैं इसको ब्लेंड कर लिया, और जो एकदम फाइन हेयर है वो मैं ल्यूमोग्राफ पेंसिल से कर रहा हूँ गाइस। नाउ मैं ये देखो, ये सीजर से मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रैच करके ऊपर वाला सरफेस में क्या है डार्क कलर है, और नीचे वाला सरफेस में क्या है लाइट कलर है। तो ऊपर वाला सरफेस का कलर मैं स्क्रैच करके रिमूव कर रहा हूँ, नीचे वाला सरफेस का जो कलर है वो निकल के आ रहा है सामने। तो इसी टेक्निक, ये स्क्रैचिंग टेक्निक से मैं ये हेयर का जो
कलर है, आई मीन ड्राइंग है, वो कंप्लीट किया है। नाउ मैं इन्हें इन ल्यूमोग्राफ पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, जो काली माता का जो क्राउन है बेसिकली, वो क्राउन करने के लिए, क्राउन का डिज़ाइन करने के लिए। आपके पास अगर ग्लास मार्किंग पेंसिल है तो आप उससे भी कर सकते हो। और गाइज, आप अगर इस ड्राइंग को घर पे प्रैक्टिस करके हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो तो रंग कैनवास का जो इंस्टाग्राम पेज है उसमें जाके हम लोगों को मैसेज कर सकते हो। हम लोग कोशिश करेंगे उस मैसेज का, अगर आपके ड्राइंग में कोई फीडबैक है तो उसको रिप्लाई देने का। जिससे छोटा छोटा डिटेल्स आपको वेरी ध्यान से करना है। मैं ये जूम करके आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग प्रॉपरली पूरा वीडियो देख पाओ। नाउ मैं बैकग्राउंड का कलर ब्लैक है वो ब्लैक कलर कर रहा हूँ। फर्स्ट मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ वैसे ही करना है, फर्स्ट पूरा कलर फिल नहीं करना है, फर्स्ट एज का जो कलर है वो कलर करके करना है आपको बेसिकली। इसके बाद आपको जो अंदर वाला जो ब्लैंक सरफेस है उसको कलर फिल करना है। नाउ मैं फिल करके क्या कर रहा हूँ, ये जो सरफेस का कलर है इसको ब्लेंड कर रहा हूँ कटन बार से। नाउ मैं येलो कलर यूज कर रहा हूँ। नाउ मैं ऑरेंज कलर यूज कर रहा हूँ। नाउ मैं रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ। ये जो कलर है गाइज, ये आपके पास अगर क्रिम्सन कलर है तो क्रिम्सन से कर सकते हो, आपके पास अगर स्कारलेट या वर्मिलियन कलर है उससे भी कर सकते हो, इसका नज़दीक जो भी कलर है आप उससे कर सकते हो। नाउ मैं अगेन ब्लैक ल्यूमोग्राफ पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ये जो छोटा छोटा डिटेल्स है अंदर का जो डिटेल्स पोर्शन है वो सब करने के लिए। ये ब्लैक ल्यूमोग्राफ पेंसिल है गाइज, बेसिकली ये ना पेंसिल बहुत काम का है, आप खरीद कर रख सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो या बिगनर्स हो, एक बार खरीदने से आपको एक डेढ़ साल चला जाएगा। या आपके पास ग्लास मार्किंग पेंसिल भी खरीद सकते हो, वो इससे भी सस्ता होगा। नाउ मैं वाइट एक्रिलिक कलर यूज़ कर रहा हूँ कटन बार से। देखो कितना सुंदर एक यू नो हार का इफेक्ट आ गया। अभी मैं वाइट एंड लेमन येलो मिक्स करके एक लाइट येलो कलर कर रहा हूँ फ्लावर पे। और ये जो गाइज मेरा ड्राइंग है ये मोटा मोटी कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मास्किंग टेप को रिमूव कर रहा हूँ। आपको वेरी ध्यान से एंड केयरफुली मास्किंग टेप को रिमूव करना है। और गाइज, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।